अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ सना असलम और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मैं आपको डेली व्लॉग दिखाऊंगी, जैसे कि जिसमें कुकिंग होगी, घर की छोटी मोटी रूटीन होगी। और इस टाइम 12:30 हो रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं और मुझे अभी घर का सारा काम करना है क्योंकि बच्चों की हो गई हैं छुट्टियाँ, तो इस वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। और ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू गोभी। तो मैं आपको आलू गोभी बनाने का तरीका बताऊंगी। तरीका तो बहरहाल सबको ही आता है, लेकिन हर इंसान का अपना अपना, यानी हर इंसान अपनी स्टाइल से बनाते हैं। तो और आपको थोड़ी सी कुकिंग दिखाऊंगी और घर की छोटी मोटी रूटीन। ये मेरे बच्चे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से अब ये सिर्फ कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं, लेकिन अकेडमी जाएंगे 5 बजे। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। हेलो गाइस, अब ये देखें मैं घर का काम करने लगी हूँ। ये देखें खलारा मेरा घर बिखरा हुआ है थोड़ा बहुत, मैंने बहुत सा समेट लिया है। और ये मेरे बच्चे उठ गए हैं सोकर। हेलो बेटा फाहद, हाय बोलो। हाय। साथ में भी हाय बोलो। हाय। शमामा हाय बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मेरे बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं जिसकी वजह से ये ज़रा लेट उठे हैं। बड़ा बेटा मेरा लेट ही उठता फाहद, और ये नाश्ता कर रहे हैं अभी। ये मैं आपको काम कंप्लीट कर कर ना तो फिर दोबारा यानी ज्वाइन करती हूँ। ये देखें, ये मैं बस सफाई करने लगी हूँ। बाहर का मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, किचन और बाहर वाला रूम। ये देखें, ये देखें, ये सारा मैंने क्लीन कर दिया। ये देखें, ये मेरा किचन है, ये किचन भी मैंने सारा, ये देखें सारा किचन मैंने रेडी कर दिया। बस अब कुकिंग करेंगे। ये मैंने सब्ज़ी आपको बता रही थी ना कि काट रही हूँ, ये देखें ये सब्ज़ी मैंने काट के रख दिया। और ये मेरा किचन है। चले मैं फिर आपको ज्वाइन करूँगी, ये काम कंप्लीट कर कुकिंग पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और मैं दोबारा आ गई हूँ काम कंप्लीट कर। ये देखें मैंने बाकी की भी सफाइयाँ कर ली हैं सारी। ये देखें सारा घर साफ़ सुथरा। मुझे वैसे भी आदत है घर को साफ़ सुथरा रखने की। ये मेरा बेटा हमेशा मुंह खोल के टीवी देखता है। और ये मेरा बड़ा बेटा, मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल फ्रेश कर दिया है नहा धुला कर, और अब ये एकेडमी के लिए तैयार हो गए हैं। 5 बजे ये जाएंगे और शायद 4 बज गए। रेडी हो बेटा? हाँ, यस। मामा अभी फीडर पीती है। मामा आप रेडी हो? यस। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाना बनाती हूँ फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ खाना। हाँ मामा, क्या कह रही थी आप? आप क्या कह रहे थे बेटा? हमें लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमने वीडियो कैसी बनाई है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और मिलते हैं आपसे किचन में। तो गाइस ये देखें मैंने खाना स्टार्ट कर दिया बनाना। और ये देखें प्याज ब्राउन हो जाएगी, तो फिर इसमें मैं अदरक लहसुन, ये मैं पेस्ट इकट्ठा बना कर रख लेती हूँ, ये अदरक लहसुन का। ये फिर इसमें जाएंगे 1 टीस्पून बड़ा मिर्च, नमक, सूख मिर्च, हल्दी, काली मिर्चें, और ये मेरा अपना एक मसाला पिसा हुआ है। इसके बाद ये थोड़ा सा अदरक बनते ही अभी जाएगा अदरक ना, इसी में प्याज में।
गाइस मुझे पता नहीं चलता कि किस तरह कैमरा या नहीं रखना ना, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करना, ये देखो पानी ऐड किया, थोड़ा सा मसाला हो जाए फिर इसे मैंने बाहर से आवाज आ रही है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। मामा इसका कैप ले क्या उधर करने क्यों सीधी का, बात नहीं रही, ये क्या हो रहा क्या? गाइस ये मैंने सारे मसाले वगैरह और सब कुछ ऐड कर दिया, और ये आलू भी मैंने काट कर छील कर रख लिए, और ये देखें अभी मैं ज़रा से गलाने के लिए रख लूँ। गाइस ये मैंने सारे मसाले वगैरह और सब कुछ ऐड कर दिया, और ये आलू भी मैंने काट कर छील कर रख लिए, और ये देखें अभी मैं ज़रा से गलाने के लिए, ये देखें गाइस ये है मेरे मसाला, ये देखें गाइस मेरा दिल किया कि मैं ना आलू वाले चावल भी बना लूँ, तो वो फिर मैंने इसे भी चढ़ा दिया, ये आलू वो भी बन रही है, और ये है आलू वाले चावल। अब इसमें तो हम डालते हैं ना पहले, ये हमने आलू डाल दिए, ये देखें आलू हमने डाल दिए इसमें, अब हम इसमें गोभी ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसे दम पर रखते हैं। जस्ट ये देखें गाइस मैंने इसे बंद कर दिया, क्योंकि एक हाथ से ही काम कर सकती थी ना मैं, वो सॉरी एक हाथ से काम नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से ना मुझे डालना पड़ा कर दिया, ये देखें ये भी हो गया, तो इसमें थोड़ा पानी और अब गोभी का हमने चूल्हा कर दिया फूल, क्योंकि इसको ज़रा सी कम आंच पे बनाया जाए ना, दरमियानी आंच पर, तो ये क्या होता है भला ये ना बिल्कुल ही मैंड हो जाती है, क्या कहते हैं हम वैसे कहते हैं, मेरी अम्मी कहती है जब ये सब्ज़ी थोड़ी सी नरम हो जाए ना, मेरी भी कहती है ये बैठ गई है, तो गोभी आलू बैठ जाती है, और ये आलू मेरे चावल हैं, इनका मैं अब कुछ करती हूँ, आलू काटती हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो ये देखें गाइस आलू मैंने कटिंग करके डाल दी है, आलू मैंने कटिंग करके डाल दी है, और ना अब इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही ब्राउन कर ब्राउन नहीं कहना था मैंने, मेरा मतलब है थोड़ा सा भून कर ना, फिर इसके अंदर पानी डालते हैं, ये देखें पानी में किससे डालती हूँ देख रहे हैं, ये ना एक मिनट मैं इसमें पानी डालूँ फिर मैं इसकी हिस्ट्री बताती हूँ आपको, देखो ये देखो मुझे बहुत शौक है छोटे छोटे बर्तनों में पकाना, छोटे छोटे बर्तन यूज़ करना, ये मेरी बेटी का है, तो मैंने मैंने उससे कहा ये मुझे दे दो, मैं अभी से ना जब खाना बनाती हूँ ना तो इसके अंदर मैं पानी डाल लेती हूँ, और फिर मैं इसके अंदर बारी बारी इसके अंदर डालती हूँ, तो मजाक मत उड़ाइएगा, इंसान के अपने अपने शौक होते हैं। चले ये मैंने ना फिलहाल इसके ऊपर ना हम तवा मूदा मार देते हैं, इसका कैप मेरे से ना उसका ढक्कन टूट गया था पतीली का ना, शीशे का था तो वो मुझसे टूट गया, अब ये गोभी आलू ये देखें हो रही है आँच पे, मैं आपको दिखाती हूँ शमामा जैनब क्या कर रही है, ये हम अंदर जाते हैं शमामा जैनब को ज़रा चेक करते हैं ये कर क्या रही है, ये क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हो, पाँच सात किधर है आप, वेट कर रही हो उनका,
इतने उदास क्यों बैठी हो बेटी? इसे बंद करो, आवाज़ को बंद करो। हाँ जी, ये देखेंगे, ये बैठी भी है आराम से। 5 बजने वाले हैं ना, फिर ये एकेडमी चली जाएंगी और मैं फिर अकेली बोर। ये देखें मेरा रूम, नॉर्मल से ही है बस हम लोग ना। ये देखें, ये मेरा रूम है, ये लाइट भी है, ये मेरी रूम में LCD लगी है, ये वॉशरूम है, ये बाहर लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री दिखाऊँ आपको? ये देखें, ये मेरा मनी प्लांट, ये देखो बाहर से। मामा बस ऐसे ही टाइम पास करती रहती है अपना। बेटी गिर जाओगी। ये मैं किचन में आ गई हूँ फिर से। मैंने कहा देखें क्या पोजीशन है। और ये देखें, ये हमारे बाहर है, रेंट पर रहते हैं हम। कब्रिस्तान है, इधर भी कब्रिस्तान है, उधर भी कब्रिस्तान है, दरमियान में हम लोग रहते हैं। इसको देखें ज़रा, चा अभी तो पानी है। ओ गाइस, ये देखें फाइनली गोभी, आलू गोभी तैयार हो गई है। ये देखें, ठीक है। और ये आलू वाले चावल भी तैयार हो गए हैं, पता नहीं सही आ रहे हैं कहीं नज़र। तो ये देखें मेरी कुकिंग फाइनल हो गई। और ये देखें, पता नहीं सही हो गया, खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और अब मैं चलती हूँ अंदर, मेरी नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं।